नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। राहों के दीपक बन खुद रोशन करो राह अपनी, तकदीर नहीं मेहनत पहुंचाती है साहिल तक सबको। किताबों में नहीं, इन पंक्तियों को जमीनी धरातल पर, पंजाब की जमीन पर उतारा है हकीकत में यहाँ की एक बेटी ने, जिस समाज में बेटियों की पढ़ाई अच्छी नहीं मानी जाती थी। बेटियों का नौकरी करने के लिए घर की चार दीवारी से बाहर जाना परंपरा के खिलाफ माना जाता था। उस समाज के सारे बंधनों को मानते हुए इस बेटी ने न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक LIC की प्रबंध निदेशक भी बनी। कैसे, मिली आज के एपिसोड में LIC की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर उषा सांगवान से। सूरज की पहली किरण और नजरें अखबार पर, लेकिन जरा गौर से देखिए, ये सियासी उठापटक की खबरों वाले अखबार नहीं है, आर्थिक हलचल को कवर करने वाला बिजनेस न्यूज़पेपर है। और इसकी खबरों में डूबी शख्सियत है दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर उषा सांगवान। 34 बरस पहले LIC के साथ शुरू हुआ सफर आज मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी तक पहुंच गया है। लगातार गिरते लिंगानुपात के लिए बदनाम पंजाब में उस दौर में माता पिता ने कभी बेटे बेटी का फर्क नहीं किया और जिंदगी की रेस में हमेशा अपने दम पर चलने का हौसला दिया। पूरा जो श्रेय देना चाहूंगी अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को, जिनका एक ही मकसद था कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है। देखने में वो किसी आम भारतीय गृहिणी की तरह लगती है। घर के सभी कामकाज के लिए वक्त निकालती है, खाना बनाने से लेकर पति के साथ नाश्ता और डिनर करना कभी नहीं भूलती, और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां निभाकर निकलती है दफ्तर के लिए। लेकिन जो महिला कुछ देर पहले तक रसोई में जुटी दिखाई दे रही थी, उसी के हाव भाव कार में बैठते ही बदल जाते हैं। चेहरे पर धीर गंभीर मुस्कान और हाथ में टैब। वे चाहती हैं कि LIC सभी 125 करोड़ भारतीयों के दिलों तक पहुंचे। विजन हम लेके चल रहे हैं कि हर भारतीय के पास कम से कम एक LIC पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। हालांकि उषा को कभी महिला होने के कारण किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्हें मालूम है कि देश में जन्म लेने वाली हर बेटी की किस्मत ऐसी नहीं है। पंजाब में जन्मी उषा ने इकोनॉमिक्स में MA किया और फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी। पूरी लगन से काम करते हुए दिल्ली पहुंची और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालने मुंबई। इससे पहले वे LIC के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग की मुखिया थी और उस दौरान कंपनी की सोशल वेबसाइट्स पे फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ी। आज बच्चे बड़े हो चुके हैं और पति का हर कदम पर सहयोग मिलता है, लेकिन देश और दुनिया में दौड़ भाग के बीच कई बार दफ्तर के काम घर की जिम्मेदारियों पर भारी पड़ जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है लेडीज के लिए, और स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आज की डेट में भी घर का पूरा जिम्मेवारी औरत के ऊपर है, तो उसे वो भी देखना है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी ही डालनी है अगर उसे आगे बढ़ना है। कंपनी का CSR फंड हो या फिर नई पॉलिसीज की लॉन्चिंग, वे हर वक्त बेटियों का ख्याल रखती हैं, तो माता पिता से अपील करना भी नहीं भूलती हैं। पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, कभी बेटी को कम मान के नहीं चलिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा उसको माहौल दीजिए, पॉजिटिव सोच दीजिए, और वो बेटी आपका सर जरूर ऊंचा करेगी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इस फलसफे पर यकीन करने वाली LIC की MD की ख्वाहिश है कि जिंदगी की शाम भी उसी तरह से हिम्मत और भरोसे के साथ बीतनी चाहिए जैसा बचपन। भारत सरकार का चेहरा बन चुकी ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। उषा सांगवान ने बिना रुके बिना थमे अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की सीख दी, तो इनकी निरंतर मेहनत मिसाल है उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए भी जो देश के बड़े संस्थानों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक और नाम है नैनालाल किदवई का, कल आपको मिलवाएंगे फिक्की की पहली महिला प्रेसिडेंट से। बस आप देखना न भूलें, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।